हेरे मोदी बेटा रन में डट जा, हो मोदी जी कहते हैं हेरे रण की नहीं जरूरत माता, संसद में मेरी हवा चाली, रण की नहीं जरूरत माता, संसद में मेरी हवा चाली, मोदी बेटा रण में डट जा, ओ मोदी बेटा रण में डट जा, भारत माता काल पाली, रण की नहीं जरूरत माता, हटाने की कोशिश भी की हो। तो हम बारंबार धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, बारंबार धन्यवाद करते हैं अमित शाह जी को, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370-35A को हटाने का काम किया, धारा का खात्मा करने का काम किया। आइए इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय प्रेमचंद जी, जो बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, वो भी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दुख ने भूल के माता आगे चालन की सलाह दिए, पाछे दुख ने भूल के माता आगे चालन की सलाह दिए, मने अमित शाह बेटे ते कह दिया बिल्कुल ना घबराइए, 5 अगस्त सन 19 ने लाल चौक पे झंडा फहराइए, 5 अगस्त 19 में लाल चौक पे झंडा फहराइए, से दुख माता रोले मेरे, से दुख माता रोले मेरे, मारी चौकी पीड़ी आली, रण की नहीं जरूरत माता, संसद में मेरी हवा चली, रण की नहीं जरूरत माता, संसद में मेरी हवा चली। दर्शन दिए और क्या कहा, क्या लिखते हैं कवि हमारे कृष्ण स्वामी जी, क्या बताया, कट जा माता ऐसा जतन बनाऊ मैं, सारे संकट कट जा माता ऐसा जतन बनाऊ मैं, 35A ने निबटा बेटा न्यूटन ने समझाऊ मैं, 370 गैल लपेटू माता पाछे शक्ल दिखाऊ मैं, 370
लगी। भारत माता की बेटा ऐसा यत्न बना कि जितने इस गद्दार के, इस देश के गद्दार इंसान है, गद्दार नेता है, उन सबको सबक होना चाहिए। किस तरह से तीसरी लाइनों में क्या कहा, संसद में मेरी हवा चली, रण की नहीं जरूरत माता, संसद में मेरी हवा चली। खून खोल उठा और यह कह दिया कि किया है वार पीछे से तूने, तो खुद को शेर समझता है और चूहे की प्रजाति होकर हम शेरों से मुंह लगता है। अरे हम मां भारती के शेर है। जब 12 दिनों के बाद मोदी जी ने आदेश दिए सेना को, हमारी सेना ने घर में घुस के ईंट का जवाब पत्थर से लिया, कहा कि सेना को आदेश थमा दो, अब घाटी गैर नहीं होगी और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा अब उनकी खैर नहीं होगी। कि घर में घुस के मारा है कबर तुम्हारी खोदी है, कि घर में घुस के मारा है कबर तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अगर एक कदम बढ़ाओगे ना तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम डरते नहीं, हम मां भारती की सौगंध खाते हैं, हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे। और अगर अब की बार पाकिस्तान तूने कोई गड़बड़ की ना तो तेरा नाम नक्शे से ऐसे मिटा देंगे जैसे धोबी कपड़े से दाग को मिटा देता है। क्या लिखा अंतिम लाइनों में, और इस रागनी को हमारे किरसन स्वामी जी ने लिखा है। रागनी अच्छी लग रही हो तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अभी कई सारी रागनियां भी इनकी मैं गाने जा रही हूँ, जो मोदी जी के लिए भी हैं, वैसी देशभक्ति भी हैं और इतिहासों से भी हैं। जिनको भी रागनियां सुननी है, नई नई रागनी मेरे माध्यम से गाई हुई सुननी है, अन्य किसी कलाकार के माध्यम से गाई हुई सुननी है, तो आप सभी के बीच में हमारी छोटी सी कंपनी है दीपा फिल्म्स के नाम से। दीपा फिल्म्स कंपनी का ये कैमरा लगा हुआ है और जितना भी यहाँ पे ये आज कार्यक्रम हो रहा है सारा दीपा फिल्म्स कंपनी के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो 2-4 दिन के बाद आप यूट्यूब पे दीपा फिल्म्स के माध्यम से इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। जिसको मेरी अच्छी अच्छी रागनी सुननी है, हमारे किरसन स्वामी जी की रागनियां सुननी है, तो दीपा फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के बीच में ऑटोमेटिक आप सभी के यूट्यूब पे हमारी नई नई रागनियां आती रहे। आइए किस तरह से क्या लिखानी है। और हमारे बीच में बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता आदरणीय श्री सुभाष ठाकरान जी, नंबरदार सुभाष ठाकरान जी, सदस्य जिला पंचायत कमेटी, एवं राजेश ठाकरान जी, शक्ति केंद्र प्रमुख जी, जो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका समस्त ग्राम झड़सा की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं के अगली रागनी। हाँ, हमारी
बलिया घाटी में उनका सारा कर्ज चुका हूँ मैं। राम बलिया घाटी में उनका कर्ज चुका हूँ मैं। घाव जिगर में हो रे बेटा, घाव जिगर में हो रे बेटा, क्यों कर धीर बंधाऊ मैं। चिंता में रघु चल गए कितने टोह के लाऊ मैं। Come on.